अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैर करिए होंगे। आप सबकी मुश्किलें अल्लाह खत्म करे हुए, आप सबकी परेशानियां खत्म करे हुए, अल्लाह ताला आप सबकी दुआओं को कबूल करे हुए, आमीन सुम्मा आमीन। ओके, सो आज हमारा व्लॉग काय का है मैं आपको बता दूं। आज का हमारा व्लॉग में है, मैंने इजी बटर चिकन की रेसिपी बनाई थी वो आप लोग से शेयर कर रही हूं। और मैंने सैंडल्स घूम गई थी, मैंने आप लोग को बीच में बताई थी। तो फैसल ने सैंडल और पर्स मंगवाए थे सेल में से, बहुत अच्छा सेल था तो ऑनलाइन उन्होंने मंगवा लिए थे, तो जाने का टाइम रहता नहीं है, तो वो भी आप लोग से मैंने शेयर करी हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप लोग अच्छा लगे हुए। और मैंने पहले भी बटर चिकन की रेसिपीज बताई थी आपको इसमें, तो उसकी लिंक मैं लास्ट वीडियो के लास्ट में उसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, तो वो भी आप लोग जाके चेक कर लेना। थोड़ा डिफरेंट है दोनों में, लेकिन आज वाली जो है वो बहुत ईजी है, तो आप लोग को अच्छी लगे हुए, वो भी अच्छी थी, ये भी बहुत अच्छी है, तो आप लोग चेक कर लेना। ओके, तो हमारा व्लॉग शुरू होता है अभी। आई होप आप सबको अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, उस दिन जब मॉल में गई थी तो मैंने कुछ एक दो चीज़ ली थी, वो भी आप लोग से शेयर करी, तो ज़रूर देखिएगा, आप लोग को अच्छा लगेगा। ओके, सो व्लॉग शुरू होता है, अल्लाह हाफिज़। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अल्लाह ताला आप सब की मुश्किलें खत्म करे हुए, आप सब की परेशानी को खत्म करे हुए, आमीन सुम्मा आमीन। सो अभी कुकिंग टाइम, आज मैं बना रही हूँ बटर चिकन, तो मैं ये आप लोग से भी शेयर कर दूँ। चलो देखते हैं फिर। बोनलेस चिकन मैंने ले चुकी हूँ, और ये है दही डालूंगी इसमें, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये मैरिनेट करूँगी अभी, तो दही, जिंजर गार्लिक पेस्ट, जीरा पाउडर, हल्दी, चिली पाउडर, थोड़ा सा गर्म मसाला और नमक डालूंगी इसके अंदर, इसको मैरिनेट कर दूंगी, फिर आपको ग्रेवी का मसाला बाद में बताती हूँ। ओके, आपके पास अगर तंदूरी मसाला होगा, चिकन तंदूरी का, शान का या कोई भी, तो आप थोड़ा सा वो भी डाल दो तो अच्छा लगेगा, मेरे पास है ही नहीं, तो मैं अभी यही डाल रही हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। गाइस, ये हो गया ग्रेवी का मसाला, मैंने अभी निकाल ली, टमाटे काट ली, प्याज काट ली, जितनी आपको ग्रेवी के हिसाब से चाहिए आपकी मर्जी है, बादाम मैंने डाल दी, इसमें काजू होएगा तो आप काजू भी डाल सकते हो, मेरे पास काजू नहीं है तो मैंने बादाम डाल दी, और बादाम भी स्किप करना है तो कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है बादाम और काजू, अगर ऐसी भी बना, मैं आपको हमेशा इसी बोलती हूँ, नहीं है तो भी बन सकता है, अच्छा ही बनता है। और ये हरा मसाला, इसमें रेड कलर लग गया है, मेरी रेड कलर की स्पून से मैंने निकाल ली इसके लिए, वो तो कोई टेंशन नहीं है, वो सब रेड मसाला पीसने का ही है सब। और ये है, इसके अंदर मैं डाली हूँ जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, चिली पाउडर है, नमक है, ओके, हल्दी नहीं, और बाकी सब घर के मसाले हैं, धनिया, जीरा, चिली पाउडर, गरम मसाला और नमक। ओके, अभी मैं आपको बता दूँ क्या करना है। और ये चिकन भी मेरी मैरिनेट हो चुकी है, इसको मैं अलग फ्राई कर लूँगी, और इसको अपन फ्राई करके पीसने का है इसको, फिर मैं आपको बताती हूँ। मैंने इसमें डाल दी हूँ ऑयल और मस्का, बटर चिकन है तो ऑब्वियसली मस्का तो जाएगा ही, मस्का डाली हूँ और ऑयल डाली हूँ, अब इसमें ये सब फ्राई होगा। ओके, ये 10 मिनट थोड़ा रेड हो जाएगा, अच्छा फ्राई हो जाएगा, फिर इसको अपन सब पीस लेगी। आपने डाल दी थी इसमें प्याज, हरा मसाला, ऑयल और मस्का जो करी थी, इसमें प्याज डाल दी, हरा मसाला डाल दी, अभी थोड़ा नीचू चिटकने लगेगा ना थोड़ा थोड़ा, तो उसमें टमाटर और ये सब मसाले डाल के तो फ्राई कर लेंगे। ये गैस मसाला मेरा हो गया है, अभी इसको थोड़ा ठंडा करने रख रही हूँ, ठंडा हो जाएगा फिर मैं आपको क्या करने का वो बोलती हूँ। गाइस, ये मेरा मसाला भी पीसा गया बटर चिकन का। ओके, मैं आप लोग को एक और एक बात बता दूं, मैंने इसके पहले भी आप लोग को बटर चिकन बताई थी, और ये वाला मैं बटर चिकन जो बता रही हूँ वो डिफरेंट रेसिपी है, क्योंकि ये थोड़ा इजी है, वो मैंने बताई थी थोड़ा हार्ड था, ये इजी है, कैसे अगर फटफट लाल करके रख दिया आपने, मतलब लाइक फिर उसको पीस के, या आप मसाला रख भी सकते हो जैसा 2-3 दिन के लिए बना के, जैसा 2-3 दिन बाद भी बनाने के, इसको फ्रोजन कर सकते हो 1 वीक के लिए, इसको फ्रोजन भी करके आप कभी भी बनाना है बना सकते हो, और लाइक चिकन को मैरिनेट करके रख दो, फिर जब बनाना है जब निकाल दो। और अगर ये बटर चिकन आप लोग, ये भी और बटर चिकन तो वो भी जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, वो भी आप बना के फ्रोजन कर सकते हो, लाइक डब्बे में अलग अलग, सो जो टाइट आते हैं टाइट डब्बे, उसमें आप लोग बना के रख सकते हो, सो वो आपको 1 वीक के लिए बर्फ़ में रहता है तो अच्छा लगता है और टेस्टी लगता है। मैं कभी कभी ऐसा बना के 3-4 दिन के लिए रख देती हूँ, क्योंकि बटर चिकन जितना बर्फ़ में रहता है उतना अच्छा लगता है। ओके, मैंने राइस भी चढ़ा दिया, अभी राइस में मैंने प्याज का भी रिश्ता ऑयल, और अभी वटाना डाल दूंगी, बटर चिकन के साथ अच्छा लगता है, मैं आपको बताऊँ फिर आगे। ये अभी मसाला मैं डालूंगी ऑयल और मस्के में। हम लोग रेसिपी में ये वाला भी, आज के बटर चिकन में मैं ये मलाई डालूंगी, उस दिन मैंने डाली थी फ्रेश क्रीम और दूध मिक्स करके, लेकिन आज इसमें दूध नहीं जाएगा, इसमें सिर्फ ये वाली क्रीम डालूंगी मैं, क्योंकि ये गाढ़ी है तो इसमें दूध की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं डालूंगी। और कसूरी मेथी, अभी पहले मैं ये मसाला थोड़ा भुने जाएगा, मतलब 5 मिनट बाद इसमें मैं ये डालूंगी मलाई, थोड़ी सी शुगर डालूंगी और कसूरी मेथी डालूंगी, फिर लास्ट में चिकन जाएगा, फिर मैं आप लोग को ये सब डाल के फिर बताती हूँ। ओके, फिर मैंने इसमें सब डाल दी हूँ, लाइक मैंने डाल दी, इसमें आपको बताई थी मैंने, इसमें मैंने मलाई डाली, कसूरी मेथी डाली और शुगर डाल दी थी 1 चम्मच,
तो उसके बाद उसको दो मिनट के लिए पकाई, फिर उसमें चिकन डाल के छोड़ दी। अब इसको मैंने थोड़ा पकने रख दी हूँ। चिकन मतलब ऐसा तो चिकन तो गली हुई है तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा ऑयल आने तक इसको मैंने 5 से 10 मिनट के लिए थोड़ा कुक करूँगी। और मेरा ये वटाना राइस भी हो गया है। और मैं ओके सो मैं आपको ये जब रेडी हो जाएगा फिर मैं आपको बताती हूँ खाने के टाइम पे जब हम लोग सर्व करूँगी, मैं जब बताती हूँ इंशाल्लाह आपको। ओके सो मेरे साथ ये वो व्लॉग में आप लास्ट तक देखिएगा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आज मैं आप लोग से मैंने मंगवाई थी ऑनलाइन शॉपिंग, मैंने यूएस में यूएस में मैंने फर्स्ट टाइम ऑनलाइन शॉपिंग की हूँ। तो मैंने आप लोग क्या मंगाई हूँ मैं आप लोग को बताऊँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा इंशाल्लाह। ओके खाना हो चुका है, अभी मैं जाऊँगी खाना खाने। ओके मैंने इसके ऊपर हम लोग ने डाल दी, मैंने मलाई डाली हूँ और कसूरी मेथी डाली हूँ। और ये कोक आप इसमें कोथमीर भी ऊपर से डाल सकते चाहिए तो, लेकिन बटर चिकन में तो कसूरी मेथी की जो खुशबू रहती है उससे ही टेस्ट अलग आ जाता है। और ऊपर मैंने थोड़ा मलाई डाल दी हूँ, आपको डालना है तो डाल सकते, नहीं होगी तो इट्स ओके, कोई टेंशन नहीं। और ये राइस बहुत टेस्टी बना है, मैंने टेस्ट करके देखी, आप लोग भी इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा ये वाली भी, और मेरी जो दूसरी वाली बटर चिकन की वो भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगी आप लोग को। और अगर मुझे लिंक डालना नहीं आया, तो मुझे कभी कभी लिंक डालने नहीं आता है, तो मैं ये वीडियो के बाद इसकी फोटो डाल दूंगी, तो आप लोग चेक करना इंशाल्लाह। दोनों बहुत अच्छे बनते हैं, ये वाला इजी है, नहीं हुआ घर में कुछ भी तो बन सकता है, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि झटपट बनता है। जब आप लोग को कंटाला आवे बनाने के लिए, ऐसा लगे वगैरह बहुत भारी पड़ रहा है कुकिंग करने, तो ये फटफट और ईजी रेसिपी है। तो ये आप लोग मसाला पीस के भी रख सकते तो इतना भारी नहीं रहेगा। ओके तो चलो अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, आप लोग भी खाना खाने आओ और ये लोग पूरा देखना, मैं आगे आप लोग को कुछ बताऊंगी। ओके तो वो मुझे आपको बताना था, तो मेरा ऑर्डर कल ही आया है। मैं आपको लोग को बताई थी ऑनलाइन में मुझे थोड़ा भरोसा नहीं रहता है, मैं कभी मंगाती नहीं हूँ, लेकिन फैसल ने मंगा लिए थे क्योंकि हम लोग का जाने का टाइम नहीं था। फिर जब मैं गई, जिस दिन मैं गई आप लोग को बताई मॉल का लास्ट व्लॉग में, तो फिर मैंने वहाँ से कुछ भी नहीं ली क्योंकि फैसल ने मंगा चुके थे, तो मैं आप लोग को वो बता रही हूँ, अभी आप लोग देखिएगा। और हाँ मॉल से भी मैंने क्या लिया मैं आपको बताती हूँ। मॉल से मैंने ज़्यादा कुछ ली नहीं, मुझे उरेन ने कुछ गिफ्ट करी वो, और मैंने उरेन के लिए कुछ ली वो मैं आपको बता रही हूँ। अभी स्टार्ट कर रही हूँ, अनबॉक्स कर रही हूँ उरेन मेरी सैंडल्स को, तो मैं आप लोग को बता रही हूँ क्या है क्या नहीं। ओके ओके सो ये वाली मैंने मंगाई, मैंने उस दिन पसंद की थी, लाइक मैंने देखी थी उसमें, मेरे ऐप्स में देख रही थी, मैंने पसंद की थी, तो फैसल बोले मैं मंगा लेता हूँ, तो मैं बोली नहीं मैं जाके देखूँगी फिर भी, लेकिन फैसल ने मंगवा लिया क्योंकि टाइम ही नहीं था जाने का। तो मैं अभी तक इसकी कल ही मेरा मतलब लाइक ऑनलाइन आया, एक हफ्ता लगा आने के लिए। मैं ऐसी ही चप्पल सैंडल्स पहनती हूँ, वो भी पहले वाली मेरी सैंडल थी, वो मेरी बहुत फेवरेट थी क्योंकि मुझे प्लेटफॉर्म वेजेस टाइप ही पसंद है, तो ये मैंने मंगाई उस दिन। और ये पर्स मंगाए थे, ये वाली पर्स, ये पर्स मंगवाए थे फसल ने, ये दोनों मुझे बहुत अच्छे प्राइस में मिल गया क्योंकि आप लोग को मैंने बताई थी लेबर डे का सेल था, चल रहा था ये टाइम, तो बहुत अच्छे प्राइस में मिले दोनों। लाइक ये पर्स भी मुझे कुछ आई, ये कुछ $79 की थी लाइक, लेकिन इसका सेल में हम लोग को पड़ा $23 में आई। और ये वेजेस भी बहुत सेल प्राइस में ही मिली, इसका सेल प्राइस क्या था मुझे पता नहीं है, फैसल ने मंगवाया तो इसलिए मुझे इतना ध्यान नहीं है। ओके फिर आपको आ गया, और मैं बताती हूँ कि मैंने उस दिन मॉल गई थी तो क्या ली, जब हम लोग घूम रहे थे जिस दिन मैंने लास्ट व्लॉग डाली थी, आप लोग को गाय गए मैं बताई नहीं क्योंकि बहुत मैंने बोली आपको मैं थक गई थी। फिर रात को आके मैंने वीडियो भी अपलोड करी, सब क्लीनिंग करी, फिर वीडियो अपलोड करी, उसमें भी आप अगर ऐसा आप लोग को लगा होगा कुछ गलती हुई है तो उसके लिए सॉरी। ओके अभी आप लोग को मैं बताती हूँ, मॉल जो गए थे हम लोग ने आपको बताया, तो ये मेरे को उरेन ने मुझे लेके गिफ्ट दी, उसको पता है मेरे को हुडीज़ बहुत पसंद है, तो उसने मेरे लिए लेके आई, ये भी बहुत अच्छे मतलब सेल में मिल गया हम लोग को, ये हम लोग ने लिए उरेन ही जाके लिए, मैं दूसरी चीज़ देख रही थी तो उसने लिए, हम लोग ने Route 21 से लिए मॉल में, ये था कुछ $33 का था और क्लियरेंस में हम लोग को $3 में मिल गया, यहाँ क्लियरेंस बहुत अच्छे होते हैं रू में, तो Route 21 में बहुत अच्छे होते। तो ये हुडीज़ मुझे बहुत पसंद है, पहले भी एक हुडी उरेन ने मुझे गिफ्ट कर चुकी है, और ये हम लोग ने लिए उरेन के लिए गॉगल्स, उरेन के सनग्लास एक था लेकिन वो घूम गया था मिल नहीं रहा था, सो उसको सनग्लास लेना था तो उसने ये सनग्लासेस ले ली, ये भी हम लोग को मिला लाइक इसका भी बहुत अच्छा भाव रेट था, ये मिला कुछ $15 का था ये, और ये हम लोग को मिला $4 में $15 का था, इसमें ये भी बंद हो रही थी मतलब ये शॉप बंद होने वाली है, ये शॉप का नाम मुझे याद नहीं है मैं भूल गई, लेकिन उसी दिन मॉल से ही लिए हम लोग ने, बस ये दो चीज़ ही मॉल से लिए थे और कुछ भी नहीं।
और यही मुझे आपको ये सब बताना था कि मैंने ये अनबॉक्स की तो मैं आप लोग को बता दूँ। और मुझे ऑनलाइन पे मैं बोली ना आप लोग को थोड़ा वो रहता है, इसलिए मेरे को थोड़ी सी जर्रा सी बड़ी भी आ गई मेरी ये सैंडल। मैं इसको वापस कर सकती थी लेकिन मुझे बहुत पसंद है, इसका पीस ही ख़त्म हो चुका है, एक ही पीस बचा हुआ था तो वो मैंने मंगवा लिया, अभी है नहीं था दूसरा, तो फैसल बोले अभी यही अच्छा है रहने दो। ओके, पर्स भी अच्छी मिल गई जूसी कोचर की, ये भी बहुत अच्छी है, मुझे पर्स और सैंडल का बहुत शौक है, फैसल को पता है। पर्स मेरे पास है, पड़ी है, बहुत सारी है, लेकिन पर्स और सैंडल की मुझे बहुत क्रेज़ है। मुझे गोल्ड डायमंड ये सब चीज़ों का इतना नहीं है, मुझे कपड़े पर्स और सैंडल बहुत पसंद है। ओके सो गाइस, आपसे फिर मिलती हूँ। अभी हम लोग ऐसे ही बैठे हैं इधर गैलरी में, वरिन कर रही है होमवर्क। एमन एमन सी है, एमन एमन सी है, ओके। सो अभी एमन को नहीं देखना, आज संडे है, लेकिन आज मैं कहाँ गई नहीं, मैंने फैसल से ही थोड़ा कुछ जो मंगाने का था ग्रॉसरी का वो मंगा ली, आज गई नहीं, गज घर में ही हूँ, बहुत थकी हुई हूँ इसलिए। ओके सो आप लोग से फिर अगले व्लॉग में मिलती हूँ, ये व्लॉग ज़रूर देखिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़, बाय।